बचपन में आप सभी ने लकड़ी के बल्ले से और क्रिकेटरों को महंगे महंगे बैट से चौके छक्के मारते हुए जरूर से देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मामूली सा दिखने वाला वो लकड़ी का बैट किस लकड़ी से, मजदूरों की कितनी मेहनत कुशलता और किन किन तकनीकों के द्वारा बनाया जाता है? तो बैट बनाने के लिए सबसे पहले कश्मीरी पिलो की लकड़ी ली गई है, जिसको बागड़ कहते हैं। एक फरमे की मदद से हैंडल वाले हिस्से पर निशान लगाया गया, जहाँ तक बैट की लंबाई होती है वहाँ पर भी निशान लगा लिया गया है। इसको आरा मशीन कहते हैं। इसी की मदद से यहाँ पर बैट की जो कटाई और छटाई की जाएगी, फेविकॉल और केमिकल की मदद से यहाँ पर हैंडल को जोड़ा जाएगा, ताकि जो हैंडल है खेलते टाइम निकले ना। पहले के जमाने में हाथ वाली मशीन से रंदा मार मार के इसको घिसा जाता था, लेकिन अब मशीन आ चुकी है, जिसकी बदौलत हमारा जो काम है थोड़ा सा आसान हो चुका है। बल्ले के गले में को रेती की मदद से घिस घिस कर हत्थी के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा, बल्ले पे बफ किया जाएगा, जिससे बल्ले पर चमक आ सके। पर आप देखते हैं बल्ला एकदम चमक चुका है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह यहाँ पर स्टिकर लगाया जा रहा है। अब इसके ऊपर ग्रिप चढ़ाया जा रहा है, टेप भी लगाई जा रही है। हमारे ब्रांड का नाम है पीकेजी बॉस, हमारा यूट्यूब चैनल भी है पीकेजी बॉस, फेसबुक, इंस्टाग्राम।